आज यूपी एसटीएफ ने राम गोपाल की हत्या में शामिल दो मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया। हत्या के आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम, वो दोनों यूपी एसटीएफ की गोली का शिकार बने। दोनों के पैर में गोलीबारी की। एनकाउंटर की पूरी टाइमलाइन आपको बताऊं, उसके पहले आपको एनकाउंटर साइट से आया एक एक्सक्लूसिव वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग लग देखो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। ये सब गलत है ना? ये गलती वहां की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाइए जल्दी। बहराइच के नालापारा इलाके में मुठभेड़ होती, एनकाउंटर में दो आरोपियों को दबोचा गया। उसके साथ पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार मिला। मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस किया और फिर आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। खून जैसे हमारे पति का हुआ है, वैसे उन लोगों का भी हाल हो। राम गोपाल को गोली मारने के बाद 3 दिन से आरोपी पुलिस को चकमा दे रहे थे। राम गोपाल की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपियों ने सोचा था कि वो कानून के डंडे से बच जाएंगे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस किसी को नहीं बख्शती। आज दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि राम गोपाल की हत्या के मुख्य आरोपी बहराइच का ही नानापारा इलाके में है। यहाँ से वो नेपाल भागने की फिराक में पुलिस ने फील्डिंग सेट की और आरोपियों को घेर लिया। पुलिस से सामना होने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आरोपियों का निशाना तो चूक गया, लेकिन यूपी पुलिस ने दोनों को लंगड़ा कर दिया। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई, तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल राम गोपाल की हत्या में शामिल कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल। दरअसल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर जब पुलिस हत्या में शामिल हथियार की बरामदगी के लिए गई, तभी आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी और जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को गोली चली। दोनों के एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, थोड़ा जो गोली है गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है। यूपी पुलिस ने आखिरकार हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनमें से 2 का ऐसा इंतजाम किया है कि दोनों अब लंबे वक्त तक गोली चलाना तो दूर, बिना किसी सहारे के अपनी टांग पर भी नहीं चल पाएंगे। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस केस की कहानी को पुलिस खत्म करने में लगी है, तो एनकाउंटर के बाद राजनीतिक कहानी शुरू हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी यूपी पुलिस बयानों के निशाने पर। आप सुनिए जरा कि एनकाउंटर में आरोपी की जाति देखने वाले सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा, तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहलाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। लेकिन नेताओं के बयानों की से ज्यादा जरूरी है कि लोग क्या कह रहे हैं, आप ये जानें। विपक्ष का एनकाउंटर पर अपना पक्ष है, लेकिन जनता क्या कह रही है।
रामगोपाल के मोहल्ले में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, अब जरा सीधा सुनिए, उसके बाद आपको रामगोपाल की हत्या का एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। पांच जो आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, उन सभी पांचों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बात को लेकर ये जो गांव वाले हैं उनका रिएक्शन जानते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या सही हुआ या नहीं हुआ। ये बताइए आप क्या सोचते हैं, सही हुआ या नहीं हुआ? जी सही हुआ है, ये बात है, बहुत अच्छा न्याय मिला है हमें, लेकिन अब तक जब तक उनकी सांसें नहीं बंद हो जाती हमें चैन नहीं मिलेगा। इंसाफ मिल गया? जी नहीं, इंसाफ अभी नहीं मिला मुझे। इंसाफ तभी मिलेगा जब उनकी हत्या की जाएगी तब। इंसाफ मिला क्या अभी? अभी कोई इंसाफ नहीं मिला, जब वो लोग मार दिए जाएंगे तभी इंसाफ होगा। इंसाफ कहाँ मिला है, इसको इंसाफ कहा गया है? गोली के बल्ले गोली, अगर दो लोगों का एनकाउंटर हुआ है, अभी पैर में गोली लगी, उससे क्या हुआ? उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए। अभी इंसाफ अधूरा है, देखो पैर पे गोली लगी, दोनों खतरे से बाहर है। ठीक, अब ये क्या मतलब इसके बाद बयान लेंगे या क्या करेंगे हमसे मतलब नहीं है। इंसाफ मिला अधूरा मिला है, लंगड़ा ऑपरेशन किया है पुलिस वालों ने, इनकाउंटर पूर्ण इनकाउंटर नहीं किया है अभी, और जबकि बाबा जी का वादा था कि न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। उधर यूपी पुलिस ने रामगोपाल की हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, लेकिन इस बीच रामगोपाल की हत्या का एक नया वीडियो भी सामने आ चुका है, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, वीडियो जरा देखिए आप, ये तस्वीर जरा देखिए, घर की छत है और ये ऊपर रामगोपाल आपको नजर आएगा। रामगोपाल ने छत के ऊपर से झंडा उतारा, आप देखिए जरा, छत के ऊपर से झंडा उतारा और चंद सेकंड के बाद उसको गोली मार दी जाती। रामगोपाल के झंडा फहराने का वीडियो सामने आता है और उसके बाद छत पर रामगोपाल की तस्वीर सामने आई, मौत के बाद डेड बॉडी पर पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया, लेकिन आज रामगोपाल की हत्या का लाइव वीडियो भी सामने आया। रामगोपाल को गोली मारी गई, उसकी डेड बॉडी के साथ दरनगी की गई, यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों को एक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं, वो एक अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। Zee News।